लगभग 500 दिन की महाजंग महायुद्ध के बाद अब यूक्रेन ऐसा फंस चुका है जहां अब ज़ेलेंस्की की फौज के सामने मौत ही मौत है। इसके अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। एक तरफ पुतिन की फौज यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रही है तो दूसरी तरफ नेटो ने यूक्रेन को धमकाना शुरू कर दिया। नेटो ने यूक्रेन से दो टूक कह दिया कि या तो जंग जीतो वरना उन्हें नेटो से F-16 जेट नहीं मिलने वाले हैं। अब सवाल इस बीच ये उठता है कि बिना F-16 फाइटर जेट के यूक्रेन आखिर ये महायुद्ध जीतेगा तो कैसे जीतेगा? चल रहे हैं पुतिन, मर रहा है यूक्रेन। अब युद्ध में यूक्रेन बहुत बुरी मौत मरने वाला है। 17 महीने से जंग में साथ देने वाले नेटो ने अब यूक्रेन को ऐसा धोखा दिया है कि शायद ज़ेलेंस्की का यूक्रेन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अब नेटो ने यूक्रेन से दो टूक कह दिया है कि नेटो यूक्रेन को F-16 जैसे लड़ाकू विमान तब तक नहीं देगा जब तक कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर खत्म नहीं हो जाता है। आखिर नेटो ने यूक्रेन के सामने ऐसी शर्त क्यों लगाई है? नहीं देंगे F-16, यूक्रेन पर भड़का नेटो। लगभग 17 महीने की जंग में 50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेल चुके यूक्रेन की सेना में ऐसा कौन सा गद्दार छिपा बैठा है जिसने यूक्रेन को सप्लाई किए 10,000 हथियारों को ही गायब कर दिया? क्या ये किसी नेटो देश की साजिश है? दस हजार हथियार गायब, बौखलाए ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग को 500 दिन होने जा रहे हैं। पश्चिम के 50 देश और नेटो के 31 देश मिलकर अब तक यूक्रेन को 15 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुतिन का रूस यूक्रेन के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी इलाकों के 13 शहरों और 250 गांव और कस्बों पर कब्जा कर चुका है। पिछले एक हफ्ते के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 3,000 टैंकों, 502, 80 रॉकेट और 600 मिसाइल हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन हर दिन रूस पर पलटवार करने के लिए 6,000 से 7,000 गोले रूसी सेना पर दाग रहा है। लेकिन उसके बावजूद 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का रूस के खिलाफ काउंटर अटैक फेल हो रहा है। इसी को लेकर अब अमेरिका के बाद नेटो की लीडरशिप भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक पर सवाल उठाने लगी है। दावा किया जा रहा है कि नेटो के मिलिट्री चीफ ने दो टूक चेतावनी यूक्रेनी सेना और लीडरशिप को दे दी है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि तो फिर ज़ेलेंस्की बार बार नेटो से घातक हथियार क्यों मांग रहे हैं और क्यों नेटो यूक्रेन को सबसे घातक हथियार देने में देरी कर रहा है? भीषण युद्ध के बीच नेटो के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट एडमिरल रॉब बाउर ने ऐसा हैरान करने वाला बयान दिया है कि ज़ेलेंस्की भी नेटो की गद्दारी देखकर बौखला गए हैं। नहीं देंगे F-16, यूक्रेन पर भड़का नेटो। नेटो के मिलिट्री चीफ ने साफ कहा है कि जब तक यूक्रेन का काउंटर अटैक पूरा नहीं हो जाता तब तक यूक्रेन को नेटो सबसे घातक हथियार नहीं देगा। नेटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट एडमिरल रॉब बाउर ने यूक्रेन से दो टूक कहा है कि यूक्रेन को तब तक F-16 जैसे पश्चिमी देशों के आधुनिक फाइटर जेट नहीं मिलेंगे जब तक कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक खत्म नहीं हो जाता है। यानी जब तक यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस के खिलाफ चलता रहेगा तब तक यूक्रेन को घातक जेट, फाइटर और हथियार नेटो नहीं देगा। नहीं देंगे F-16, यूक्रेन पर भड़का नेटो। Рівно на роковину удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знов спрямували ракети по Кременчуцькому району. Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли і Краматорськ, ракети С-300.
Троє людей загинуло, і серед них дитина, мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину більше 40 людей поранено, усім надається допомога, триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову знов доводить. यानी अब यूक्रेन अपने ही काउंटर अटैक के जाल में फंस गया है। यूक्रेन महीनों से कह रहा है कि उसने F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान रूस के खिलाफ चाहिए ताकि हम रूस पर हमला कर सकें। यूक्रेन का एयर डिफेंस तबाह हो चुका है। 30% हथियार और तोपखाना मरम्मत के लिए कारखाने में बड़े सड़ रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन करे तो क्या करे। यूक्रेन के लिए इस वक्त एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। इधर अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने भी साफ कह दिया है कि रूस यूक्रेन की जंग बेहद खूनी हो चुकी है जो बहुत लंबी चलेगी। अगर 17 महीने की जंग के बाद भी जंग और लंबी चलने के दावे अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन का क्या हाल करेगा। I had said was this is going to take 6-10 weeks. It's going to be very difficult. It's going to be very long and it's going to be very very bloody. And no one should have any illusions about any of that. Ukraine is fighting for its life. It's an existential fight for Ukraine, and they are fighting against a very significant country of 140 million people. 10,000 हथियार खायब, बौखलाए ज़ेलेंस्की। सवाल उठ रहे हैं कि अचानक नाटो के देवर यूक्रेन को घातक हथियार देने को लेकर इतने तीखे क्यों हो गए हैं? क्योंकि नाटो अब शर्त लगा रहा है कि जब तक यूक्रेन रूस के खिलाफ काउंटर अटैक पूरा नहीं करेगा तब तक उसे सबसे एडवांस और घातक हथियार नहीं मिलेंगे। जरा देखिए इसके पीछे क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक नाटो देशों से हथियार को लेकर चला शिपमेंट अचानक गायब हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को सप्लाई किए गए 10,000 से ज्यादा हथियार गायब हो चुके हैं। ये नहीं बताया गया है कि गायब हुए 10,000 हथियारों में से कौन कौन से हथियार थे, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि इसमें कुछ मिसाइलें और रॉकेट थे। हथियारों के गायब होने के बाद से नाटो यूक्रेन को लेकर नाराज बताया जा रहा है। कुचल रहे हैं पुतिन, मर रहा है यूक्रेन। नाटो और यूक्रेन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। काउंटर अटैक के बीच में ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेंगे, जबकि पुतिन का रूस यूक्रेन को तबाह करने पर जुटा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सुमर इलाके में 268 से ज्यादा धमाके किए हैं। रूस ने बिलोपीलिया, मारियोपीलिया, वेलिका पेसारिवका, क्रास्नोपीलिया, सेरेडिनाबिडा, सेरेडिनाबोडा और माइकोलाइव इलाके में भारी तबाही मचाई है। इधर यूक्रेनी सेना के 49 साल के कमांडर इन चीफ जनरल ज़ालुज़नी का साफ कहना है कि यूक्रेन को अभी भी वो हथियार नहीं मिले हैं जिसके दम पर रूस को हराया या खदेड़ा जा सके।